नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। पिछले कई हफ्तों से कांग्रेस पर जोर ओबीसी पर बहुत ज्यादा है कांग्रेस का। मध्य प्रदेश की रैली में तो राहुल गांधी ने यहां तक ऐलान कर दिया कि सत्ता में आए तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन ओबीसी करते करते आज अचानक राहुल गांधी हिंदू का मतलब समझाने लगे। सोशल मीडिया पर सत्यम शिवम सुंदरम शीर्षक से राहुल गांधी ने एक लेख पोस्ट किया जिसमें राहुल ने अपनी भाषा में हिंदू होने की परिभाषा बताई। राहुल के मुताबिक जिस व्यक्ति में अपने भय की तह में जाकर सत्य निष्ठा से देखने का साहस है, हिंदू वही है। हिंदू धर्म को केवल कुछ सांस्कृतिक मान्यताओं तक सीमित रखना उनका अल्प पाठ होगा। किसी राष्ट्र या भूभाग विशेष से बांधना भी हिंदू धर्म की अवमानना है, और यह भी कि हिंदू धर्म सत्य को अंगीकार करने का एक मार्ग है। दो पन्नों के लेख में राहुल ने हिंदू होने की और भी कई विशेषताएं बताई हैं। लेकिन सवाल यह है कि अचानक राहुल गांधी हिंदू होने की परिभाषा क्यों बताने लगे? क्या यह राहुल का हिंदू कार्ड है? क्या यह बीजेपी के हिंदुत्व के जवाब में कांग्रेस की तरफ से हिंदू होने का अर्थ है? क्या यह सनातन पर जारी विवाद को लेकर कांग्रेस का रुख है? और क्या ये राहुल की चुनावी मजबूरी है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले? आज इन्हीं सवालों पर हुंकार, लेकिन पहले वार पलटवार वो सुनाते हैं। हिंदू धर्म प्रेम करुणा है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने साफ शब्दों में धर्म की व्याख्या अपने शब्दों में करने का काम किया है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर लोगों के अंदर एक नफरत का माहौल बना, उम्मीद करते हैं इन लोगों से जो चुनावी हिंदू बन जाते हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं जो प्रैक्टिस कुछ और करते हैं और दिखाते कुछ और है? राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ही तर्कसंगत बातें कही हैं, और हिंदुत्व की अवधारणा के लिए भारतीय जनता पार्टी की नसीहत किसी को लेने की जरूरत नहीं है, ये उनका कॉपीराइट नहीं हो सकता। 55 साल बाद आपको ये याद आया सत्यम शिवम सुंदरम? 10 साल आपकी सरकार पहले रही जिसके आप ही सब कुछ थे, तब भी आपको याद ना आया? सत्ता हथियाने के लिए किस तरह लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म को किसी आप एक जगह में नहीं बांट सकते। धर्म अगर कहीं कमजोर हुआ है सनातन, उसमें आरएसएस और भाजपा की बड़ी भूमिका है। अरे ये वो लोग हैं अब सनातन धर्म को जड़ से मिटाने का संकल्प भी लेकर चले हैं। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। तो राहुल गांधी परिभाषा बताते हैं और उसके ऊपर बीजेपी पलटवार करती है, चुनावी हिंदू बताया जाता है। आज हुंकार इसी पर। चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पीयूष बबेले, प्रवक्ता कांग्रेस के, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी से, और डॉक्टर सौरभ मालवीय, आरएसएस के जानकार। अब शुरुआत करते हैं हुंकार की, और मेरा पहला सवाल पीयूष जी आपसे है कि अचानक राहुल गांधी हिंदू होने की परिभाषा आज 1 अक्टूबर को क्यों बताने लगे? क्या जरूरत पड़ गई? अचानक नहीं बताने, राहुल तो सब जगह जाते हैं। जब राहुल जी महाकाल के दर्शन करते हैं तो भाजपा को दिक्कत होती है, राहुल जी कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो दिक्कत होती है, राहुल जी गंगा जी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं तो भाजपा की दिक्कत होती है। हमने परिभाषा बताई तो भाजपा को क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि बंधु सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न, और रामचरितमानस में यह भी लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। तो जब ये सब चीजें बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन जब कई लोग मारीच आ जाते हैं, कालनेमी आ जाते हैं, और वो धर्म की परिभाषा को अपने स्वार्थ के लिए विकृत करते हैं, तब राम भक्तों को, राहुल जी जैसे राम भक्तों को आकर समाज को दोबारा से बताना पड़ता है कि इनकी बातों में न फंसिए, ये राम का रास्ता है, ये हिंदू धर्म का रास्ता है, ये सनातन का रास्ता है। वो रास्ता बताने के लिए राहुल जी ने ये बात कही है, और सबको इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें सवाल करने की क्या बात है, ये तो प्रशंसा करने की बात है। लेकिन ये प्रशंसा पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं पीयूष जी, क्योंकि राहुल गांधी ने 20 जुलाई 2010 को ये कहा था, राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत से, कि भगवा आतंकवाद का खतरा लश्कर-ए-तैयबा से भी बड़ा है,
21 अगस्त 2014 का उनका बयान है कि जो लोग मंदिर जाते हैं वही बस में महिलाओं को छेड़ते हैं। अब आइए 2014 में एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो छवि है वो मुस्लिम परस्त, मतलब लोग जानने लगे हैं कि मुस्लिम की पार्टी है। उसके बाद से लगातार राजनीति बदलती है। अप्रैल 2015 में और 2017 में अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी घूमते हैं मंदिर मंदिर, सवाल तब उठता है ना? सवाल ये बिल्कुल उठ रहा है कि कलेक्टर प्रसंग उठा लिए। 6 महीने पहले मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और राम सेतु पर कहा कि ये काल्पनिक है। इसी तरह 2018 में सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के सांसद गोरक्षा के लिए राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए थे, उसको मोदी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। और राहुल गांधी ने ऐसी कोई बातें जो अलग अलग, हिंदू धर्म जो बार बार कहता है कि हम सब में विश्वास रखते हैं, हम सबको मानते हैं, सभी धर्म जाति क्षेत्र वर्ग सबका सम्मान करने की परंपरा है, तो ये जो आपने सिलेक्टेड चीजें उठाई हैं और उसके हिस्से काट के निकाल निकाल के उठाए हैं, ये सही उसमें संदर्भों में बात लाई दी गई। और मैं फिर कहता हूं कि जब राहुल जी ये बात कहेंगे तो कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने, कुछ व्यक्तियों ने ये समझ लिया है कि धर्म का कॉपीराइट हिंदू धर्म का उनके पास है और वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी फ्रेंचाइजी बांटेंगे। लेकिन अब ये फ्रेंचाइजी बांटने का काम वो कर नहीं सकते। एक बात जो और जोड़ दूं, कांग्रेस पार्टी ने, महात्मा गांधी ने जब अपना आंदोलन शुरू किया 1919 में, तब उनने कहा था कि विशुद्ध रूप से एक धार्मिक आंदोलन, और उससे पहले अभी गणेश जी विसर्जित हुए हैं, गणेश जी का जो पूरा अभियान था ये तो कांग्रेस के अध्यक्ष लोकमान्य तिलक ने शुरू किया। तो धर्म का राजनीति में, सांप्रदायिकता का नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, धर्म का राजनीति में प्रयोग अच्छे उद्देश्य से करने में कांग्रेस की बहुत पुरानी परंपरा रही है। आप अपनी परंपरा बता रहे हैं और साथ में इशारा बीजेपी की ओर कर रहे हैं ना? शिवम त्यागी, इन्होंने तो अपनी परिभाषा ही बताई है, क्या दिक्कत हो रही है आपको? देखिए, जब धर्म का इस्तेमाल होता है तो राहुल गांधी जैसे राम भक्त आते हैं देश में और चीज़ों को बदलते हैं। नहीं, और इन्होंने एक और भी चीज़ कही, कुछ कालनेमी है। अब कालनेमी कौन है ये तो देश अपने आप ही तय करे। ये राहुल गांधी हैं, जब ये जाते हैं अपने क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में, तो अक्सर इनका ड्रेस कुछ ऐसा होता है, अगर आप इसको गौर से देख सकें और जूम इन कर सकें। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि जैसे ही उत्तर भारत की तरफ चुनाव आते हैं तो इनका हुलिया जो है एकदम बदल कर पूरा साधु संत की तरह हो जाता है। अब समझ में नहीं आ रहा कालनेमी यहाँ पर कौन है, समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हिंदू और बाकी धर्मों के बारे में अलग अलग बातें कोई कैसे कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इसमें ना इस देश के जो एक्टर हैं गोविंदा, उनका बड़ा रोल है। उन्होंने जो है इनको बड़ा मार्गदर्शन दिया, इनके कुछ प्रवक्ताओं ने बैठकर उनको वो फिल्म दिखा दी, वो कौन सी, वो राजा बाबू, जिसमें वो मल्टीपल रूप होते हैं उसे एक व्यक्ति के, उसको देखने के बाद उसमें राजा भी था तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा बेहतर भी फील हुआ होगा। उसके बाद वो देखने के बाद उन्होंने देखा तो ये इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बीच में नहीं बोली जी, ऐसा आप बोल रहे थे तो शिवम धैर्य के साथ इससे बेहतर फैंसीड्रेस कॉम्पिटिशन तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं भी बन देता हूँ। आजकल नई नई तरह की तस्वीरें आ रही है, ये हिंदू और मुसलमान, कभी टोपी और कभी भगवा जो है वो तो अलग बात है। यहाँ पर कुली बने हुए हैं, यहाँ पर ये किसान बन गए हैं, यहाँ पर ये मोटरसाइकिल ठीक करने वाला बन गए हैं, यहां पर आकर फिर ये दोबारा से अगर देखे तो पूजा अर्चना करने लग गए। ये कहां थे आपके पूजा अर्चना करने वाले, जब ये अभी पिछले दिनों उन्होंने 12 दिसंबर 2021 में कहा था कि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। पेरिस में जाकर अभी कह रहे थे वो कि जो बीजेपी जिस हिंदुत्व की बात करती है मैं उस हिंदुत्व को नहीं मानता। हिंदुत्व और हिंदू एक ही है भाई, और उसको नहीं मानते का मतलब क्या, किसी और धर्म के बारे में बोल के दिखाओ जरा ऐसा कि वो धर्म उससे बीच में क्यों बोल रहे हैं जब आपके कोई नहीं बोल रहा। ये क्या मतलब क्या है, नहीं बर्दाश्त हो रहा। सुन लीजिए फिर, आपका आपकी बारी दोबारा आए। नहीं नहीं, नेता तो कम से कम गोविंदा को देखकर इंस्पायर हो ही गए, प्रवक्ता भी किसी को देखकर। आप दोनों सांस ले लीजिए, ऐसे 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 डिबेट नहीं होगी। आप दोनों सांस ले लीजिए, अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ जुड़े, आप दोनों सांस लीजिए। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया, सवाल आपसे भी है, जब ऐसे अचानक से राहुल गांधी परिभाषा बताने लगेंगे तो पूछा जाएगा कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य सरीखे नेता जो विवादित टिप्पणी कर देते हैं, इंडिया गठबंधन में जो लोग आते हैं, उदय स्टालिन उधर विवादित टिप्पणी कर देते हैं, तो क्या आगे के चुनाव को, 2024 के चुनाव को देखते हुए ऐसी परिभाषा बताने की जरूरत पड़ती है? देखिए, 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है वो जनता के असली मुद्दों पे चुनाव होगा। वो होगा महंगाई, बेरोजगारी, किसान और महिला समस्या, उस मुद्दों पे चुनाव होगा।
और उस मुद्दों पे जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर फेंकना, चाहे वो कितने भी नए नए मुद्दे गढ़े, चाहे कितने भी नए नए मुद्दे लाने की कोशिश करे, जनता अपने मुद्दों पे है। जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में जब घोसी का चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की कि वहाँ पे हम मुद्दों से जनता को डाइवर्ट करें, लेकिन हमने देखा जनता हिली नहीं। इन्होंने राजभर जी को भी लेके आए, सोचा वहाँ जाति का भी खेल खेलें, तब भी जनता नहीं मानी। जनता नहीं मानती है, अब जनता कहती है कि आपने महंगाई बढ़ाई है, महंगाई से मेरी कमर टूटी है, इसलिए हम आपको नहीं वोट देंगे। आपने बेरोजगारी बढ़ाई है, बेरोजगारी से हम परेशान हैं, मेरे बच्चे परेशान हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे। किसान कहता है कि मेरी इनकम दुगनी नहीं हुई है, हम परेशान हैं, हमारा भुगतान नहीं हो रहा है, हम आपको नहीं देंगे वोट। और महिलाएँ कह रही हैं कि हमारे जब सम्मान पर बात आती है, जब हम पार्लियामेंट से 500 मीटर दूरी पर बैठे होते हैं, अगर महिला पहलवान जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो देश के लिए मेडल जीत के आती हैं, वहाँ पर सारे मंत्री अगल बगल में रहते हैं, लेकिन कोई मंत्री उस महिलाओं का आंसू पहुंचने के लिए नहीं गया, पूरे देश ने देखा। वो 2 महीने तक बैठी रही। इसी तरह मणिपुर में जब बच्ची के साथ अन्याय होता है, तो लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे कन्नी काट रहे थे उनके बारे में बोलने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए। इसी तरह से लगातार जो घटनाएं, आपको एक घटना और बता दूं, बस्ती में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक पति के सामने पत्नी के साथ अन्याय हुआ, उसके बाद वो इतना परेशान हुए कि दोनों ने आत्महत्या कर ली। तो ये जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के मुद्दे उखाड़ उखाड़ के लाना चाहती है। जनता अपने मुद्दों पे बात कर, इंडिया के गठबंधन, इंडिया गठबंधन में राजनीतिक विषय नहीं, इंडिया गठबंधन में आप हैं, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी है, आप सवाल पूछिए ना, अगर जवाब मिलेगा आपको, करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्यों दे रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक पार्टियों को दीजिएगा, आपकी यानी आप राजनीतिक पार्टियों को दीजिएगा जवाब, मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए अनुराग जी, करारा जवाब दूंगा। नहीं, आपके आपके मुद्दे सही हैं, आप ये मुद्दे लेकर जनता में जाएंगे, आप इतना बता दीजिए कि इन मुद्दों के बीच में अचानक 1 अक्टूबर 2023 को हिंदुत्व की परिभाषा बताने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या लगता है आपको? मैंने आपसे क्या बोला, मुद्दे हैं इस देश के अंदर में, लेकिन आपको आपको अगर कोई कहीं कुछ लिखता पड़ता है तो आपको मुद्दा नजर आता है। हम तो हर चीज करते हैं, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे, इस देश के अंदर में सबसे बड़ा एक्टर कौन है सबको पता है, एक्टिंग को किसने मात दिया सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा दर्शक समझ गए होंगे। दूसरी बात, हम हिंदुस्तानी हैं, हम किसान भी हैं, हम यहाँ पे मजदूर भी हैं, हम यहाँ पे कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग भी हैं, हम यहाँ पे अगर आप कहोगे रिक्शा चलाने वाले लोग भी हैं, हम यहाँ पे पत्थर काटने वाले लोग भी हैं, यहाँ तो हर तरह के लोग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान शहर और गांव दोनों में बसता है, और ये शहर और गांव के बीच में जो ब्रिज बनाता है वही समाजवादी कहलाता है। समाजवादी का मतलब होता है समाज के अंदर सामाजिक न्याय की बात करना, समरसता की बात करना, सभी जाति धर्म के लोगों को आगे बढ़ाना, कैसे उनको आगे में सामाजिक न्याय मिल पाए, कैसे हम सभी लोगों को, चाहे किसी वर्ग के हों, चाहे किसी कोई भी काम कर रहे हों, यही तो हमारे हिंदुस्तान की खासियत है कि हिंदुस्तान में हर जगह छोटा शहर भी है, बड़ा शहर भी है, गाँव भी है। समाजवादी की परिभाषा बता दी आपने, मुद्दे बता दिए, लेकिन हम सबकी मदद, आप एक प्रतिक्रिया ही दे दीजिए, सत्यम शिवम सुंदरम जो राहुल गांधी का पोस्ट है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? किस पे? जो राहुल गांधी का पोस्ट है सत्यम शिवम सुंदरम, इसमें, अरे जो इसमें दिक्कत क्या, मैं ये समझ में इसमें प्रतिक्रिया क्या लेना चाहते हैं मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, इसमें क्या प्रतिक्रिया आप सुनना क्या चाहते हैं भाई? कोई अच्छी बात कह रहा है तो उसको आप अप्रिशिएट करेंगे, आप उसमें सुनना क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं अभी तक। अगर आप कहोगे कि भाई ये बताइए कि वो कोई मंदिर क्यों गया था, तो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं क्या जवाब दूं कि क्यों मंदिर गया था? कमाल का सवाल है आपका, आप खुद ही कंफ्यूज, आप पूछना क्या चाहते हो? या तो आप पहले पूरा चिट्ठी बना लेते कि आपको सवाल क्या। मैं कंफ्यूज नहीं हूं अनुराग भदौरिया, मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मैं सीधा आपसे प्रतिक्रिया जान रहा था, क्योंकि लगातार जो इंडिया गठबंधन, अनुराग भदौरिया सुनिए आप मुझे, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो ये बयान आया है जो राहुल गांधी ने कहा है ये हिंदुत्व की परिभाषा बताई है। अब बीजेपी आप पर कह रही है कि ये चुनावी हिंदू हैं, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा था, इसमें कहां कंफ्यूजन है, क्या खराबी है? बीजेपी कह रही है कि चुनावी हिंदू है, इस पोस्ट के आने के बाद कह रही है। अब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, अरे आप चिल्लाइए मत, क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं तो नहीं चिल्ला रहा हूं, तो इसके मतलब क्या आपके अंदर चोर है? मैं ये कह रहा हूं, मेरे में ज्यादा एनर्जी है, आपसे ज्यादा एनर्जी है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। क्या, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, आज देश की जनता उन पर विश्वास करती है क्या?
अगर विश्वास करती तो आज ये जो हारने की नौबत आई है, भागे भागे घूम रहे हैं मध्य प्रदेश में, आपने देखा क्या हालत हुई है, मंत्रियों को तानना पड़ रहा है, और इनके मंत्री क्या कह रहे हैं, हम तो हेलीकॉप्टर से चलते हैं, 5-6 रैली करेंगे और उसके बाद हमें कहाँ, अब हम बड़े नेता हैं, कहाँ हाथ जोड़ना है, अब बताइए आप जनता के सामने हाथ जोड़ने के लिए आप ऐसी बात कर रहे हो, जनता जो भगवान है, चर्चा के दौरान आपको विषय पर भी आएंगे, बात करनी थी, आप टोकने लगते हैं, मैं पूरी बात हो जाए, आपको सबसे ज्यादा वक्त मिला है चर्चा के दौरान, इस विषय पर भी आएंगे, हमारे साथ सौरभ मालवीय जी जुड़े हुए हैं, आप बने रहिए भदौरिया जी, आपके पास वापस आता हूँ मैं। सौरभ मालवीय आरएसएस के जानकार हैं। सौरभ जी, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, जो राहुल गांधी ने परिभाषा बताई है उस हिसाब से, परिभाषा पर तो सवाल नहीं है, लेकिन सवाल इस पर है कि चुनाव के समय ही क्यों परिभाषा बताई है। देखिए, हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है और भारत में रहने वाले सभी लोग, सभी प्राणियों में, प्रकृति में, मनुष्य में, मानवता में, यहां तक कि विश्व बंधुत्व में भी कल्याण की बात सोचते हैं। यही भारतीय जीवन दर्शन है। अब इस भारतीय जीवन दर्शन को खास वक्त, खास दौर और खास तरह से किसी भी रूप में जब भी जिसको लगे वह स्वीकारे, वह माने और इसको अपने भीतर उतार के जिए और जीने की बात करे तो ये अच्छी बात है, इसमें दिक्कत किसे है, किसे भी नहीं है। लेकिन भारत के मूल चरित्र को हमें जानना होगा, हमें समझना होगा, खास करके उन लोगों को जो मौसम वैज्ञानिक नहीं है। तो आम आदमी इस बात को जानता है, वो मनुष्यता को, मानवता को, प्रकृति को, विश्व बंधुत्व को, हर प्राणी में, हर जगह, सब जगह हिंदू जीवन पद्धति को देखता है, जिसमें सभी के मंगल कामना, शुभ कामना, सर्वे भवंतु सुखिनः की अवधारणा है। यही तो भारतीयता है और इस भारतीयता को भारत के लोग तो मानते हैं, इसलिए विश्व में ज्ञान देते हैं। विश्व भी इस बात को मानता है कि भारत में मनुष्यता है, भारत में जीवन दर्शन है, तो तभी तो दुनिया भर के लोग भारत की तरफ देखते हैं। इसमें हर्ज क्या है भाई, अधिकार नहीं है डॉक्टर सौरभ, इस पर किसी का एकाधिकार नहीं है, हो ही नहीं सकता है। शिवम त्यागी, आप हमारे साथ बने रहिए। शिवम त्यागी, जब किसी का एकाधिकार नहीं है तो आप अपनी परिभाषा बताते हैं, लेकिन कांग्रेस जब परिभाषा बता देती है तो आपको दिक्कत क्यों हो जाती है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है और एकाधिकार हो ही नहीं सकता, वही बात है ना, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। अगर ये हम राहुल गांधी को सिखाने और पढ़ाने चले तो मुझे लगता है सदियां बीत जाएंगी, बिल्कुल एकाधिकार नहीं है। लेकिन उनकी जो दो अलग अलग व्यक्तियों की जो अपनी एक संस्कृति है वो अपने आप में खतरनाक है। सनातन में एक कॉन्सेप्ट है, सनातन इस बात को मानता है कि आत्मा जो है शरीर बदलती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। मुझे लगता है उन्होंने सामने सामने ही बदल दिया कि शरीर बदलने की जरूरत ही नहीं, कपड़े बदल लो। जब आप एक तरफ होंगे तो आप एक गेटअप में होंगे, जब आप दूसरी तरफ होंगे तो एक गेटअप में होंगे, जब आप एक गठबंधन में होंगे तो एक धर्म को गाली देंगे, लेकिन जब आपको लगेगा कि चुनाव अब जो है दूसरी तरफ आ गए हैं, चुनाव अब मध्य प्रदेश में है, चुनाव अब छत्तीसगढ़ में है, चुनाव अब राजस्थान में है, चुनाव अब तेलंगाना में, तो जाहिर है अब तो जरूरी है भगवा दिखना, अब तो जरूरी। ये कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन नहीं है। और मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, चाहे हिंदू, हिंदुत्व, सनातन की परिभाषा कुछ ऐसे व्यक्ति से कम नहीं ले सकते कि जिसको सिर्फ हर तीसरे महीने चुनाव के हिसाब से कपड़े ही बदलने। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, आने वाले कुछ महीने में राहुल गांधी अपने इस भगवाधारी कपड़े में, गेटअप में लगातार आपको दिखाई देंगे, लेकिन क्या वाकई वो सनातन या फिर इसकी परिभाषा या फिर हिंदुत्व या फिर हिंदू उसके बारे में जानते भी हैं? और अगर जानते हैं तो फिर उन्होंने स्टालिन को क्यों नहीं रोका, फिर उन्होंने सीनियर खड़गे को क्यों नहीं रोका, फिर उन्होंने जूनियर खड़गे को क्यों नहीं रोका, फिर उन्होंने जो है अपने मौर्य जी को क्यों नहीं रोका जो लगातार गाली देते रहे, फिर उन्होंने जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनको क्यों नहीं रोका? अगर वो हिंदू, हिंदुत्व, सनातन के इतने ही बड़े ज्ञाता और ज्ञानी हैं और कांग्रेस पार्टी इतनी ही सनातन को मानती है, तो जब आपके बराबर में जो कुर्सी लगाकर लोग बैठे हुए हैं वो लगातार इस धर्म को गाली दे रहे थे तो क्या हो गया था भाई? एक बार गर्दन घुमा के थोड़ा उनको भी कह देते राहुल जी कि मैं भी सनातनी हूं, मैं भी हिंदू हूं, इस तरह से मेरे धर्म के बारे में मत कहिए। लेकिन नहीं कहा ना, क्योंकि सच्चाई जो है वो यही तस्वीर है। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, रियलिटी यही है। बाकी अगर आप मंदिर मंदिर जाएं, मैं तो कहता हूं जाएं, अच्छी बात है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की ही जीत है कि एक व्यक्ति और एक पार्टी जो सनातन का विरोध करते करते ही यहां तक पहुंची है, आज वो भी सनातन को मानते हैं, वो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन
ये सिर्फ दिखावा है, जनता के साथ धोखा है। पीयूष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। पीयूष जी, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर शिवम त्यागी इसका जिक्र कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, उसको लेकर ये छवि बदलने की कोशिश हो रही है क्या? मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2018 का विधानसभा चुनाव था, तब भी टेलीविजन पे यही डिबेट हो रही थी। राहुल जी धर्म का प्रचार वो नहीं कर रहे हैं, चोला नहीं बदल रहे हैं, वो धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, हमेशा रहते हैं। भाजपा और मीडिया उसको चुनाव के विशेष आईने से देखने की कोशिश करता है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, मेरे भाई जो बार-बार धन्यवाद पीयूष जी, जब आप बोलना खत्म करिएगा तो आस्तिक होने के दो बयान भी बता दीजिएगा, कंटिन्यू करिए। क्या क्या शिवम पूछ रहे हैं आपसे, आस्तिक होने के दो बयान बता दीजिएगा राहुल गांधी के, बोलने से समय आप बता दीजिएगा, आप अपनी बात कह लीजिए। शिवम को अभी हिंदू और हिंदुत्व का पता नहीं, सवाल क्या जाने, इन्हें एबीसीडी आती है, तब तक मुझसे पूछते चले। दो बयान है ना, और सुनो, धर्म आस्था का विषय होता है, तेरा प्रचार का विषय नहीं होता। राहुल गांधी के बयान पूछे, साष्टांग दंडवत होके गए, बैठे थे महाकाल के मंदिर में, हम सब वहां थे, उसमें बयान देना है क्या? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है भगवान के सामने? भगवान को हृदय से पूछा जाता है, भगवान के हृदय से पुकारा जाता है। मोदी जी की समस्या दूसरी रहती है कि वो भगवान को भी, अपनी माता जी को भी, जनता को भी बिना कैमरे के नहीं पहचान पाते हैं, उन्हें हर चीज पे बयान देना होता है। ये चीजें छोड़ दीजिए। और मैं कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो अगर आप बात करेंगे तो यहाँ हिंदू धर्म पर चर्चा करने का क्या है? सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति जो दुनिया की है वो माननीय कमलनाथ जी ने बनाई है, भास और शिवराज जी का यही पे मैं आना चाह रहा था। नहीं नहीं शिवम, यही पे मैं आना चाह रहा था। शिवराज जी ने यहाँ पर महाकाल अपने जन्मदिन पर पार्टी करी, उसमें हनुमान जी की प्रतिमा के सामने अर्धनग्न नृत्य कराया, ओरछा में राजा राम जो सबसे प्रतिष्ठित भगवान राम का मंदिर है उनको इनकम टैक्स का नोटिस भेज दिया, ग्वालियर में सबलगढ़ में हनुमान जी को नोटिस दे दिया, कई मंदिर भोपाल के आसपास हैं जहां पे हर बार मांग होती है कि पूजा करने का अधिकार मिले, रीवा में मंदिर है कि पूजा करने का अधिकार मिले, वहां पूजा हिंदू नहीं कर पा रहा है और ये लोग हिंदुत्व के ठेकेदार बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं को भयभीत करने की राजनीति के सिवा कोई राजनीति नहीं करती है, इसीलिए 5000 साल के इतिहास में हिंदू कभी खतरे में नहीं आता है, लेकिन जब जब हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या सरकार खतरे में पड़ती है तो हिंदू खतरे में आ जाता है। इनके लिए हिंदू का मतलब सिर्फ चुनाव है और हमारे लिए हिंदू का मतलब मानवता है, करुणा है, प्रेम है, आस्था है। इसीलिए राहुल जी ने याद दिलाया है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य का मतलब सत्य है, शिव का मतलब कल्याण है और सुंदरता सारी चराचर जगत में विद्यमान है। इन सब बातों को जबरदस्ती डिबेट में घसीटना कोई बात नहीं हुई, ये अपनी आस्था की बात थी, इसको हमें धैर्य से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और राहुल जी जो इशारा कर रहे हैं वो शिवम भाई जैसे लोगों के लिए इशारा कर रहे हैं जिन्हें धर्म दिखता ही नहीं, सिर्फ सांप्रदायिकता और झगड़ा और विवाद दिखता है, वो भी सत्य शिव और सुंदर को समझें और सनातन के हिंदू के मार्ग पर चलें। आप खुद मान रहे हैं कि अगर आपके अंदर हिंदू है तो उसको प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, वो मान्यता है, आपके कर्मों में दिखना चाहिए, जो आप करते हैं उसमें दिखना चाहिए, तो प्रदर्शित करने की जरूरत क्यों है भाई साहब? नहीं कर रहे हैं हम लोग, भगवान को मानते हैं तो कथा नहीं कराते हैं क्या? हम भगवान को मानते हैं तो क्या हम मंदिर नहीं जाते हैं क्या? तो लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई 1 अक्टूबर को? क्या वही उनने किया, प्रदर्शित किया, क्या उनने एक अच्छी बात सुबह से लोग कराकरे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलित गोवंदा प्रभाते कर दर्शन, तो ये कोई विज्ञापन है क्या? उनने एक अच्छी बात, लोग मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं गुड मॉर्निंग का, उससे तो अच्छा है कि उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम भेजा। लेकिन जिनके मन में घृणा का बीज गहराई तक बो चुका है भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें भगवान का नाम सुनने में भी तकलीफ हो रही है क्योंकि उनका वोट डावाडोल है। आपको भगवान का नाम सुनने में तकलीफ हो रही है शिवम त्यागी? देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम जो इन्होंने कहा, इसका अर्थ तो सिर्फ यही है कि यदि कोई चीज़ सत्य है, कल्याणकारी है, सुंदर है, वही ग्राह है, यानी कि ग्रहण करने योग्य है। अब इस बात को राहुल गांधी को आज याद आई 1 तारीख को, जब ये पिछले 3 महीने के टेन्योर में कम से कम 100 नेताओं ने इस धर्म को गाली दी, तब ये मुझे याद क्यों नहीं आई? इनको बस इतना बता रहे, मैं इतना ही पूछ रहा,
तो याद अगर आई तो बोला क्यों नहीं? ये चुनावी है भाई, ये चुनावी है, ये पूरे तरीके से चुनावी है। आप दो मिनट में ये बोलकर आ गए कि देखिए किस तरीके से हालात खराब है मध्य प्रदेश में, ये हुआ वो हुआ, हम तो हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त हैं। मैं पूरी तरीके से आशान्वित हूँ कि आने वाले समय में राहुल गांधी हनुमान जी का गेटअप भी करके घूम सकते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। इस देश ने देखा है पिछले 3 महीने से लगातार जो इस धर्म को गाली दी गई है, देश ने देखा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको वो दिखाई नहीं दे रहे होंगे जब वो मेरे बीच में बोल रहे हैं और आप मुझे बीच में नहीं बोलने दे रहे थे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल दिखाई देते हैं शिवम, 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 सबको बोलने का मौका है तो फिर मुझे अपने समय जब आप दोनों आप लड़ने लगते हैं तो मुझे अनुराग भदौरिया देखते हैं। एक मिनट पीयूष जी, पीयूष जी और शिवम जी दोनों रुकिए। जब आप दोनों लड़ने लगते हैं तो मुझे अनुराग भदौरिया दिखते हैं। अनुराग जी बताइए, मेरे बीच में वही आए और फिर से तीसरी बार। एनीवे मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूं, बात साफ है। अगर आपको हिंदू हिंदुत्व इतना ही प्यारा है, इतना ही प्रेम है, इतना ही बेहतर लगता है, इतना ही बेहतर लगता था, तो ये कोई हिंदुत्व और हिंदू धर्म चुनावी नहीं है भाई। मेरा धर्म चुनावी नहीं है, उसको चुनाव में इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर गाली देना शुरू कर दे, गरियाना शुरू कर दे। अनुराग भदौरिया को भी सुन लीजिए, अनुराग भदौरिया को भी सुन लीजिए। अनुराग जी बताएं। अरे देखिए देखिए, मेरा 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 एकदम सीधा सा बात है, और मैंने एक मिनट रुक जाइए बात कह लूँ या आवाज़ कम कर, मैं तो किसी के बीच में बोल नहीं रहा हूँ। मैंने कहा मुझे तकलीफ तब होती है जब उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ अन्याय होता है और उस पर चर्चा हो तो लगता है उस पर न्याय मिले, ऐसी बात होती है तो मुझे लगता है कि समाज की बात हो रही है। हम समाजवादी लोग ऐसा ही सोचते हैं। हमें तकलीफ तब भी होती है जब बिहार में किसी बच्ची के साथ या राजस्थान में किसी बच्ची के साथ या पश्चिम बंगाल में किसी बच्ची के साथ अन्याय होता है। हम पक्षपात नहीं करना चाहते, जिस तरह बच्ची के साथ उज्जैन में हुआ, जिस तरह से एक महिला के साथ हमने कहा अभी आपको बस्ती में हुआ, और जिस तरह से हमने हरदोई में देखा एक बच्ची को कैसे महिला को घसीटते हुए पुलिस ले जा रही थी, हमें उस बात की चिंता होती है। ये हमारे समाज के मुद्दे हैं, हमारे समाज के मुद्दे हैं कि कैसे युवा परेशान है, दर दर भटक रहा है, जो डिग्रियां जिसके हाथ में उसे रोजगार नहीं है। ये हमारा चिंता का विषय है। हमारा चिंता का विषय है कि एक माँ दिन रात परेशान रहती है कि उसके बेटे को कैसे रोजगार मिलेगा, उसका पति भी बेरोजगार है, उसका बेटा भी बेरोजगार है, उसके कैसे दिन रात कटती होगी, ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय है कि महंगाई, डीजल पेट्रोल की जो महंगाई की मार है, जिससे लोगों की कमर टूट रही है, उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, घर में एक तनाव रहता है, उस तनाव से ना जाने क्या क्या साइड इफेक्ट और होते हैं उस परिवार पे, हमें उसकी चिंता रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की चिंता रहती है, कैसे सत्ता की बात करें, कैसे सत्ता का माहौल बनाए। धर्म मेरे लिए आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। हम भगवान के बच्चों की चिंता कर रहे हैं कि भगवान के बच्चे किस तरह से परेशान है महंगाई बेरोजगारी से, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है, उसे सोचती है कैसे सत्ता मिल जाए। हम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता किस तरह से लाना चाहती है, लेकिन देश की जनता ने इस बार तय कर लिया है। तो राहुल गांधी का सोशल मीडिया पोस्ट सत्यम शिवम सुंदरम, और उस पर मचा है बवाल। बीजेपी अब ये कह रही है कि ये चुनावी हिंदू हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। अनुराग भदौरिया ब्रेक पर जाने से पहले अपनी बात करना चाहते थे, अभी भी उंगली उठाए हुए हैं। सबसे पहले अनुराग भदौरिया के पास चलते हैं। अनुराग जी पूरी कर लीजिए अपनी बात। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत बहुत बड़ी हो गई है। अब वो परेशान है, उससे पता नहीं चलता है कि हम जाएं किधर। जो राजनीति करती थी और जनता उनकी राजनीति को समझ गई है, वो जानती थी ये जाति धर्म की राजनीति पे विश्वास करते हैं, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। लेकिन जनता अब चाहती है कि नहीं, नफरत की राजनीति मुझे नहीं चाहिए, मुझे देश के अंदर में विकास की राजनीति चाहिए, हमें विकास, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, इस पर वो चिंता कर रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है, तो अब हर चीज़ को अपने हिसाब से मुद्दा बनाना चाहती है, अब हर चीज़ को पकड़ना चाहती है। अरे हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम सिर्फ पूरे हिंदुस्तान की बात करने वाले लोग हैं, हम हिंदुस्तान की जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा करने वाले लोग हैं, हम समाजवादी तो खासकर सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, हम लोहियावादी हैं। लेकिन आपके साथ क्या होता है, आपका नेता जब महात्मा गांधी के हत्यारे को कहता है कि राष्ट्रभक्त है, और आप उसके बारे में कुछ बोलते नहीं हो, आप कहते हो नहीं नहीं इस पर विचार होगा, क्या विचार किया आपने। लेकिन हम कहते हैं ठीक है, आप इस तरह की जो राजनीति करते हो वो देश को अब समझ में आ गई है, क्योंकि आप एक तरफ महिला की बात करते हो, क्या महिला की समस्या की बात करते हो, महिला रिजर्वेशन की बात करते हो, फिर महिला रिजर्वेशन चूंकि मिल ना पाए समय से उसमें लगा देते हो, पहले जाति जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा तब मिलेगा, मतलब 24 में महिलाओं को जो चुनाव आने वाला उसमें फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उनके हित के बारे में नहीं सोचते हो। हमने कहा था कि आप उसमें ओबीसी महिलाएं जो पीछे छूट गई उनको भी ले आओ, हमारा अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, दलित महिलाएं भी हैं, आप चाहते तो 2024 में इसका फायदा मिल सकता था, लेकिन आपने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, चूंकि हम महिला सम्मान करते कब हो, जो हमारी देवी रूपी है ना महिला, हिंदुस्तान में तो देवियों की तरह पूजा जाता है, वहीं हमारे देश की राष्ट्रपति जी बैठी थी, देश की आदिवासी समाज से आती हैं, आपने पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन किया, बुलाया तक नहीं उनको,
तो आपकी मानसिकता क्या है पता चलता है इससे। इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता करना चाहते हैं। शिवम त्यागी जी, छोटी टिप्पणी, बस छोटी टिप्पणी में इतना ही कहना चाहूंगा कि इनको शायद ज्ञान कुछ है नहीं। पहली बात तो ये, जिस पार्टी की पैदाइश इस देश में महिला विरोध से हुई हो वो तो इस तरह की बातें ना करें। जब लोकसभा में 2011 में इस बिल को लाने की बात हुई थी, किस तरीके से हंगामा इन लोगों ने किया था, अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी का तो सबसे पहला स्टैंड हमेशा यही रहा है कि कभी भी ये व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए, कभी भी महिला आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार कर दिया तो क्या फांसी चढ़ा दोगे, कहने वाले लोग आज यहाँ पर कहते हैं नहीं नहीं महिलाओं को लेकर हम बड़े संवेदनशील हैं। आपको तो बोलने का ही अधिकार नहीं है। अब मुझे लगता है शिवम त्यागी कि आपने इनकी प्रतिक्रिया दे दी और हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। अभी हमारा मुद्दा है राहुल गांधी का वो पोस्ट। हमारे साथ मालवीय सर जुड़े हुए। मालवीय जी एक बात बताइए, जब मैं राहुल गांधी का पोस्ट पढ़ रहा था उसमें लिखा है किसी राष्ट्र या भूभाग विशेष से बांधना भी उसकी अवमानना है। इसी से मिलती जुलती बातें आरएसएस भी करती है ना। देखिए, किसी भी राष्ट्र की भूभाग एक दिन में नहीं बनती है, वह सदियों पुरानी हजारों लाखों वर्षों से वहां पर एक सनातन पुरातन और परंपरागत उस पद्धति में, उस संस्कार में, उन संस्कृतियों के साथ जीवन निर्वहित करने वाले लोग होते हैं, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। यानी निश्चित भूभाग होना ही चाहिए, वो भौगोलिक है, सांस्कृतिक सीमाएं हमारी जरूर व्यापक है। और खास करके भारत के बारे में यदि देखें तो भारत तो विश्व गुरु रहा है और भारत तो आदि है, अनंत है, प्रकृति के साथ भारत का उत्पन्न हुआ भूभाग है। तो इसलिए राहुल गांधी का यह बयान तत्कालिक बयान है जो बहुत हल्की बात है। मुझे लगता है किताबी बात सुन लिया गया, कह दिया गया और बता दिया गया। कितना उसको समझते हैं, कितना उसको धारण करते हैं, कितना जीते हैं, ये तो वही बताएंगे। लेकिन भारत एक विशाल संस्कृति, विशाल परंपरा और मूल्यों पर आधारित जीवन पद्धति है। इसको केवल तत्कालिक रूप से चुनाव के लिए या प्रचार के लिए या चर्चा में लाने के लिए कह देने से कुछ इसका न होने वाला है न बिगड़ने वाला है, क्योंकि ये लोगों के खून में, रक्त में, तन मन में रचा बसा हुआ है। भारत की संस्कृति में बाहर से जो भी आया वो भारत की आध्यात्मिक और बौद्धिक क्षमता को देख के गुलाम हो गया, भारत के वैभव को लूटा। तो ऐसी श्रेष्ठ और उच्च और परम इस परंपरा को मानने वाला समाज भारतीय समाज है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का यह बयान बहुत एक हल्की बात के साथ है और ये चर्चा तक सीमित है। बाकी तो राहुल गांधी का यह बयान हिंदू राष्ट्र से मिलता जुलता है, सभी लोग भारत को मानते हैं, या हिंदू राष्ट्र को लेकर जवाब है ये। ऑडियो आपका म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी टेक्निकल दिक्कत है। मैं ये पूछ रहा था कि ये क्या, ये जो पोस्ट है ये हिंदू राष्ट्र को लेकर जवाब है राहुल गांधी का? आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसका मुझे नहीं समझ में आता हिंदू राष्ट्र से क्या संबंध है। हम लोग ये चैनल पे बैठे हैं, अगर आप दूरदर्शन को याद करें, अगर आप दूरदर्शन की बात करें तो उसका लोगो भी कांग्रेस के जमाने में ही सत्यम शिवम सुंदरम बनाया गया। ये आर्ष वाक्य है। हमने तो अपने राष्ट्र चिन्ह उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। जो हमारा टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता था उसका लोगो होता था आर्ष सेवा में, राज्य सेवा में रहेंगे। तो इन बातों को कहां हम लोग जाके जोड़ रहे हैं। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि पिछले महीने दो महीने से भाजपा ने जिस तरह से सनातन को लेकर बहस छेड़ी है और झूठे सवाल खड़े किए हैं, उसमें राहुल जी ने बहुत ही गंभीरता से, बहुत संजीदगी से धर्म की परिभाषा जनता के सामने रख दी। भारतीयता, भारत की संस्कृति का मूल भाव हमारे सामने रख दिया है। हम उस मूल भाव को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। और मुझे बहुत दुख हुआ सौरभ भाई की बात सुनके, तो उनने से हल्का कह दिया। क्या सत्यम तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व के, सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी को जवाब देने की तैयारी है आपकी? सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी को जवाब देने की तैयारी है आपकी? जल्दी से छोटी प्रतिक्रिया। मैं फिर सॉफ्ट, देखिए धर्म में सॉफ्ट शब्द तो आना नहीं चाहिए, विदेशी शब्द है, और हिंदुत्व शब्द से हमारा कोई मतलब नहीं है, वो सावरकर का शब्द है। हम हिंदू हैं, हम धार्मिक हैं, हम आस्तिक हैं, हम सांप्रदायिक नहीं है, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है। हम यही बार बार बताना चाहती हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक धार्मिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ आरएसएस,
ये सांप्रदायिक संगठन और सांप्रदायिक पार्टियां हैं। तो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और ये हाल तब है जब इंडिया गठबंधन के बाकी कंपोनेंट जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, उनके नेताओं ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया। अब जो उसकी मेजर कंपोनेंट पार्टी कांग्रेस है, उसके राहुल गांधी ने आज जो पोस्ट किया, अब उस पर बीजेपी उनको ठहरा रही है कि ये चुनावी हिंदू हैं। शिवम त्यागी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए जो रह गई थी। देखिए, उन्होंने कांग्रेस ने सत्यम शिवम सुंदरम का जिक्र किया, सत्यमेव जयते का जिक्र किया। मैं तो बस सिर्फ इनको इतना ही कहना चाहता हूँ, ये बार बार जो है अपने आप को ही खुद ही एक्सपोज कर लेते हैं। इनको शायद पता नहीं कि 1986 के दौरान जब रामायण को रामानंद सागर लेकर आना चाहते थे दूरदर्शन पर, उनको 3 बार रिजेक्शन झेलनी पड़ी। उनको घंटों घंटों मंडी हाउस पर खड़े होकर अपना वो सारी चीजें देनी पड़ती थी, 3 बार उनको रिजेक्ट किया गया। बहुत सारे तो उसमें ऐसे संवाद भी थे जिस पर उनको ह्यूमिलिएट किया गया। इनको पता ही नहीं है, लेकिन अपना एक्सपोजर खुद ही करने में लगे हुए हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो तन मन से हिंदू है उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसने हिंदुत्व हिंदू धर्म धारण किया हुआ उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन नकलियों को क्या है कि वो जो भी बोलेंगे गलत ही बोलेंगे। फिर से बीच में शुरू हुआ, यही तो परेशानी है। इनको शायद समझ ही नहीं है, ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। मैं नहीं चाहता, समय बीत जाएगा इसी लड़ाई में, समय बीत जाएगा। अब बीत ही गया, समय का रजत रथ चला गया आगे।